दिस इज मी डीआरके बाबू द मोस्ट अवेटेड प्लेयर ऑफ माइनक्राफ्ट और आज मैं इस माइनक्राफ्ट के एसएमपी को क्रैक करना चाहता हूँ बट क्यों गुल्लू 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 आया हाँ, मैं इस माइनक्राफ्ट के एसएमपी को ज्वाइन करता हूँ फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्या होता है जो मुझे मजबूर कर देता है इस माइनक्राफ्ट के एसएमपी को क्रैक करने के लिए। अगर तोड़ने फोड़ने की बातें चल रही है तो तुम जल्दी जाकर उस लाल बटन को भी फोड़ दो क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा नजदीक है 2 लाख सब्सक्राइबर के पास, तो जाके जल्दी से फोड़ो और वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा ठीक है भाई, 3 बंदे ऑलरेडी खेल रहे हैं। ओके मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। यो डीआरके भाई, वेट ओ वेट, ये क्या है भाई? अरे सुन, लग रहा है मेरा गेम अभी लॉन्च नहीं हुआ, मेरे हार्ट्स कम दिख रहे हैं मुझे और पता नहीं क्या हो रही है। एक सीन, मुझे आसमान में गेम लॉन्च हुआ ही नहीं हुआ मेरा। ये सरप्राइज है तेरे लिए समझा, एक न्यू ट्रैप। मतलब एक सीन, देखो कितने भी ट्रैप में फंसा लो हर बार निकल जाता है, अभी ट्रैप से निकल के दिखा समझा। अरे मतलब ये क्या है? एक सीन, व्हाट? एक सीन, मैं अपने ये रेंडर डिस्टेंस बढ़ाऊं अपनी। व्हाट, अभी आसमान में कैसे फंसा दिया भाई तुमने मुझे? यही तो चाल है हमारी। और अगर मैं नीचे जाने की माइंड करूँ तो माइंड भी नहीं कर पा रहा मैं इसको। बस अब तू निकल के दिखा समझा। ये कौन सी ब्लॉक लगाई तुमने? और एक सेकंड, व्हाट, ये कितनी हाइट तक है ये सारी चीजें? जितनी तूने सोची नहीं होगी तेरी पहुंच से दूर। इसका मतलब ये हाइट लिमिट पे है ये सारा है? और क्या, कौन कौन है सर्वर पे? भी बेस्ट माफिया और स्टील और क्या? अरे बेस्ट भाई यार क्यों कर रहे हो यार मेरे साथ? मैंने पहली बार ज्वाइन करा और माफिया भाई। अबे वो तो मुझे पता है कि मेरी बहन है ऐसी मेरी तरह ही, मतलब मुझे मारने के पीछे पड़ी रहती है, बट तुम भी इसके साथ मिल गए। और क्या, हर किसी को मिला लूंगी मैं अपने साथ समझा, चुपचाप से ट्रैप से निकल के दिखा। अबे यार मेरे पास समय है, मेरे पास तुमने दिया क्या मुझे? इतने बेकार थोड़ी हम कुछ भी नहीं देंगे। अभी इसी मुझे अब याद आया कि ये लाइफ स्टील का सर्वर है क्या? अगर मैं एक बार मरता हूं मेरे हार्ट्स कम हो जाएंगे और खत्म है तू। बिल्कुल, तो फिर मैं बच के बैन करने आ रहे हैं, तो मैं बच के बाहर कैसे निकलूंगा? अब वो तू खुद सोच, हम सब कुछ बताएंगे तेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ठीक है मैं निकलता हूँ, बट कुछ ले देंगे नहीं? हो सकता है कि हम मतलब थोड़ा ले देने का। हाँ हो सकता है। हाँ दो बताओ। गिर जाए ऐसे नीचे हो जाएगा तेरा काम। अरे नहीं यार, ये क्या बातें कर रहे हो यार तुम? तू दिमाग मत खराब कर, तुझे जो करना है कर, गिरना है मरना है पढ़ना है जो करना है कर, हम जा रहे ठीक है ना? चलो सारे के सारे चलो, बेकार है छोड़ दो उसको। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं इस वाले मेन हॉल के एरिया में, मैं भी पता नहीं कहाँ पे फंस चुका हूँ हवा में, और यहाँ पे शायद ये हवा तक यार ब्लॉक, क्योंकि जैसे ने कहा है कि इसी जो एरिया है ना बॉक्स वाला, मुझे लग रहा है एक सेकंड मैं F3G दबाता हूँ, जिसकी हेल्प से तुम देख सकते हो ये एक पूरा चंक है, जिससे अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये यहाँ से एक सेकंड, ये यहाँ से यहाँ तक मतलब एक चंक के बराबर है, और देखा जाए तो इस चंक से अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे कुछ ना कुछ सलाखें करनी पड़ेगी जो मेरे पास टूल्स है इसकी हेल्प से, और क्राफ्टिंग टेबल से अगर मैं यहाँ पे बोट बनाऊँ तो मे बी यहाँ एज पे रख के मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, है ना? एक सेकंड, एज का है भाई यार, ये तो समझ भी नहीं आ रहा एज का है। ओके ऑलराइट, यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे मैं एक ग्लिच करके तो नहीं, लॉल भाई इतनी गंदी किस्मत किसकी हो सकती है गाइज, मतलब मैं इससे बाहर भी नहीं निकल सकता। कोई नहीं, अब सेकंड वाली चीज़ों को ट्राई करते हैं, बट यार मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा कम है, अगर मैंने भी हल्का सा भी यूज़ करा अपना सामान तो मैं ख़त्म हूँ भाई। ओ हाँ, मेरे पास डर्ट ब्लॉक है, अगर मैं डर्ट ब्लॉक को यहाँ पे नीचे रख दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सैपलिंग रख दूँ तो मे बी यहाँ पे एक ट्री ग्रो हो जाएगा कुछ समय में, जिससे मुझे वुड मिल सकती है और बहुत सारे सप्लाई मिल सकते हैं, और यही सबसे ज़्यादा अच्छी बेहतरीन ट्री है मेरे लिए। और ऐसा ही होता है, फिर मैं वेट करता हूँ, फिर उसके बाद ट्री उग जाता है, उसको माइन करने के बाद मेरे पास कुछ ब्लॉक्स आ जाती है, और हालांकि फिर भी मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि अगर मैं ऊपर की तरफ ब्लॉक प्लेस करूँगा ये इन्फिनाइट है, या यानी कि आसमान तक फैला हुआ है, तो यार मुझे कोई ऐसे ना कैसे करके कोई ग्लिच से ही बाहर निकलना पड़ेगा। और इत्तेफाक तो तुम ये देखो कि मुझे एक एंडरमैन मिल जाता है, और उस एंडरमैन को मारने के बाद मुझे एक एंडरपर्ल मिलती है, जिसकी हेल्प से मैं यानी कि डीआरके बाबू एक ट्रिक अपनाता है जिसकी हेल्प से मैं एज पे मारता हूँ एंडरपर्ल और मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। वेट, ओके ऑलराइट, ओके व्हाट द हेक भाई, मैं एक्चुअली मैं वहां से स्केप कर चुका हूँ, और जैसे कि तुम देख सकते हो भाई वो रही मेरी बोट भाई, ये तो अच्छी बात है, उस वाले चंक बॉर्डर से मैं वहां पे लीव मार चुका हूँ, बट यार ये सारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर, इन्होंने मेरे हार्ट्स ले लिए भाई। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, और पता नहीं ये कैसा वर्ल्ड हो रखा है माइनक्राफ्ट का, ये विलेज है? मुझे तो लगता नहीं देखने के बाद कि ये कोई विलेज है, क्योंकि ये तो मुझे बर्बादी का लग रहा है भाई। ओह शिट, ये स्केलेटन के बच्चे, तू दूर रहे मेरे से। पर गाइस मुझे यहाँ से सबसे पहले निकलना पड़ेगा और अपने आप को बेगुना प्रूफ करना पड़ेगा, तो चलता हूँ। इस मूवमेंट में मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं होता और मुझे आर्मर की सख्त जरूरत होती है, तो इसके लिए मैं एक शॉप बनाता हूँ ताकि मुझे एक प्लेयर को मार के एक आर्मर ले सकूँ,
बट एक गेम के थ्रू मुझे एक बकरा मिल जाता है। लो ब्रो क्या है भाई डीआरजे भाई, बाहर कैसे निकले ट्रैप से? अरे बाहर कैसे निकला ट्रैप से ये सारी बातें छोड़, सुन खाना है जल्दी, और यहाँ पे शो चल रहा है हमारे। ऐसे नहीं बताओ ट्रैप कैसे बाहर आया। अबे यार तुझे पता है ना मुझे कोई ट्रैप ट्रैप नहीं कर सकता। ये लो। अरे भाई गोल्डन ओबिट गोल्डन चैन पे तीन, तेरे पास कितने हैं टोटल? मेरे पे पूरे चार है, एक तीन आपको दे दे। ओ भाई साहब ओके ओके जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। कहाँ जा रहे हैं? उनको बताओ मत, उन सबको मैं बताने जा रहा हूँ, मैं बाहर आ गया ट्रैप से। अबे वो सब बाद में बताइए। यहाँ पे ना एक वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एक टूर्नामेंट। जल्दी टूर्नामेंट चलने वाले भाई इस माइनक्राफ्ट के एसएमबी में। जल्दी तुझे और मुझे पता होना चाहिए जीतने वाले को क्या मिलेगा। हार्ट्स और पार्टिसिपेट को हार्ट्स देने पड़ेंगे। वेट यार शिट यार मुझे लग रहा है ये अभी काम नहीं चलेगा। अरे वेट यार ये ज़ॉम्बीज मर रहे यार, ऐसे गेम नहीं चल पाएगा, टूर्नामेंट अभी कैंसिल हो रहा है। सुन रात को करते ठीक है। अरे वो तो गेम लैग मारेगा, मैं रात को ही बताता हूँ। चल रात को आएंगे ठीक है। और सुन इतने चला था माइनिंग करने चलते ठीक है। माइनिंग कर लियो तू। हाँ तू माइनिंग कर ले, तू कुछ भी कर ठीक है, ऐसी बातें करते। चल जस्ट चिल करते, गेम को लेफ्ट मार। चल 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 लेफ्ट मार। ओके मैं आ गया। ओ वेट यहाँ पे मॉब्स आ गए। अबे वो सब छोड़, यहाँ पे तेरे एफपीएस लूट मार रहे हैं ना। सुन यहाँ पे गेम की मैं गेम सिंपली बता देता हूँ। इस चेस्ट में दो वो है डाय ठीक है, मैं तोड़ूंगा जिस साइड जहाँ पे तू खड़ा होगा ना, देख उस साइड जा। ओके तो अब मैं तुम्हें गेम सिंपली बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चेस्ट तोड़ूंगा जहाँ पे जिस डायरेक्शन में तुम्हारे पास रेड डाई या फिर ब्लू डाई आएगी ना, उस वाली टीम वो तुम्हारी है ठीक है। नो कम्प्लेन, ये माइनक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड है ठीक है। उससे पहले अगर तुम्हें ये गेम खेला तो तुम्हें हार्ट देने पड़ेंगे, मैंने तो अपने दे दिए भाई, इसलिए तुम दो हार्ट दो। हार्ट यस 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 आई वांट टू हैव टू हार्ट दो हार्ट दो। हाँ ये तो सही है भाई साहब, दो हार्ट मिल गए ना जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए भाई, ये टू हैंड टू हार्ट मिल जाते। अरे हार्ट नहीं, अब तो डाई है ना, मैं तोड़ता हूँ ठीक है। 1 2 3 ओके तो रुको शिट, तुम्हें रेड वाली टीम मिली है शिट। यस अब तो मैं जीतने वाला हूँ ठीक है। तो अभी बीच का हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं ठीक है। बैरिकेड तोड़ दो जल्दी, यहाँ पे तोड़ रहा हूँ ठीक है। एट दिस मोमेंट सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा होता है, मैं इसको गेम में फंसा देता हूँ जिसके हेल्प से मेरे पास टाइम आ जाता है, और इसको मैं अंदर भेजता हूँ कि जाके तू बैरियर गेट तोड़। इतने में मैं एक्टिवेट कर देता हूँ TNT से, जिसकी वजह से ये मारा जाता है, और इसके मैं हथियार ले लेता हूँ माफिया के, और फिर प्लान बनाता हूँ कुछ अलग करने का। बट और ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे पता था सारे अब मेरे खून के प्यासे पड़ जाएंगे, और बीच में कुछ ऐसा ही होता है। TRK हाँ मेन हॉल की असेंबली में आ। मतलब क्या हो गया? कोई मीटिंग है जल्दी आ। अरे हो क्या गई बात, मुझे ये तो बताओ। कोई पहले या फिर बताते हैं। राइट मैं आ चुका हूँ, बट यार एक माफिया तू भी है क्या यहाँ पे? हाँ, अरे यार आई एम सॉरी 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 सॉरी, ये देख तेरा आर्म टूटा फूटा मेरे पास है, ले ले अपना वापस यार। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। बात क्या हो गई? बट चल अंदर तो चल, फिर बताते तेरे को क्या हो गई बताओ। तूने माफिया को मारा था ना? हाँ मारा है, बट उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तेरे सॉरी से कोई मतलब नहीं है समझा, बता दे इसको। अरे अभी तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ भाई, अगर ऐसी वाली बात होती तो मैं पहले नहीं बोल देता क्या? सॉरी कहने से क्या वो वापस हो जाएगा? अरे नहीं यार, तो फिर भाई तेरे पे केस होगा भाई, समझ ले। मुझे पता है मैंने थोड़ी बहुत गलती करी है, बट उसके लिए थोड़ी बहुत हाँ ठीक है ना, बहुत हाँ ठीक है, मारा है मुझे पता है ऑल राइट ठीक है। और वैसे भी तुम अब क्या कर लोगे, अगर मैंने मार भी दिया इसको, इसका आराम ले लिया, मैं वापस देने को तेरा मुझे कुछ रेड रंग का कुछ दिखा बस ठीक है, इस ठीक है चल कोई नहीं तो। बट मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तुम खुद सोचो मैं क्या करूं। सुनो मैं अरे वॉशरूम करके आ रहा है, एक मिनट तुम यहाँ पे वेट करो ठीक है। ये है ना ठीक है, मैं भी आया ठीक है, दो मिनट बाहर रुको ना, बस दो मिनट बाहर रुको, दो मिनट ठीक है, दो मिनट ओनली ऑल राइट। कितना डरपोक है ये है ना, पर इसको पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी है ना, मारना पड़ेगा, माफिया तेरा बदला लेना पड़ेगा। यस ओके बेस्ट गेमर यार, इसको कैसे टॉर्चर करें हम? ओके अरे ये क्या है, वो जो बाहर जा रहे हैं, किसने दिया ये? मैं हम देखते आ रहे हैं ये क्या हो रहा है? मैं डीएम के काम तू, अरे मैं वॉशरूम में हूँ। अबे तेरे साथ बात देखिए क्या हो गया, अरे ब्लास्ट
अरे बहुत देख मैं यहाँ पे हूँ, यही पे यहाँ पे जहाँ पे वो देख देख मैं यही पे हूँ। अरे रोको यार इसे, कोई रोको 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 सब रोको। अरे तू तो यहीं पे, ये किसने कहा? मुझे नहीं पता भाई, मैं तो यहाँ पे अभी वॉशरूम से बाहर निकला हूँ भाई। वही तो कह रहा हूँ, हमारी लेवल तो कोई है भी नहीं यहाँ पे। पता नहीं यार उसको बंद करो यार, वो पता नहीं क्या अभी भी चल रहा है, बंद करके आओ। चल यार बंद कर दिया। हाँ वही, चल यार बंद कर दो। हाँ वही वही आगे तो भी आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। ओके ओके मैं आ रहा 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 आ रहा मैं आ रहा मैं आ रहा। अबे यार किसने लगा दिया? सुनो सुनो मेरे पास, मेरे पास मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया किसने लगाया। क्या किसने? जल्दी जल्दी मेरे पास, मेरे पास सब सब जल्दी मेन हॉल के लिए। वैस भाई आगे माफिया भाई, जल्दी 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 पहले पता है दूर हो, दूर हो पहले। तुम्हें पता है दूर ही हो यार, तुम सबसे बड़े नूब हो। पूछो क्यों तू नूब है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस वाले ट्रैप से मार दोगे? ओके ओके ऑल राइट ऑल राइट। अबे क्या मारो इसे। ओके ऑल राइट भाई, तुम्हारा जो ट्रैप था ना मुझे मारने का, वो मुझे पता चल गया था। अरे कहां गया तू? ओके मुझे पता चल चुका था कि मेरा प्लान फेल हो चुका है। इसके बाद मैं दूर जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि माफिया डिस्कनेक्ट मार जाता है, मे बी उसका इंटरनेट की वजह से। तो फिर मैं एक चालाकी करता हूँ, मैं माफिया का सिर पहन के आता हूँ इनके बीच में और इनको ऐसे प्रोटेक्ट करता हूँ जैसे मैं इनका दोस्त हूँ, और दोस्ती दोस्ती में मैं इनके पेट को मार देता हूँ और इनको ऐसा लगता है कि माफिया ने मार दिया। पेट को मार दिया। क्या तू? ओए पकड़ उसे। क्या यार उसकी इतनी हिम्मत हमारे पेट को मारने की कोशिश करी इसने। डीआरके से हम परेशान थे, तू भी ऐसे कर रहा है, तेरे लिए किया था हमने। ओके ओके लेट्स गो, मैं यहां से एस्केप मार चुका हूं, जल्दी एस्केप मारता हूं, मुझे मुंह फटाक से। ऑल राइट कहां गया? कहां जाएगा? कहां जाएगा? फिर उसके बाद मैं ऐसे तो निकल जाता हूँ और ऐसे स्केप मारने के बाद वही एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जब माफिया आता है तो ये उससे भी नहीं छोड़ते और उसे भी टपका देते हैं। और ऐसे करके मैंने एक प्लेयर इनका ही टपका दिया और फिर उसके बाद असली हुक्म का इक्का मेरे पास आ जाता है। अब तुम आगे देखो भाई। अरे यार तो सामान तो मजे आ गया तो। एक मिनट आवाज। ओ ये तो कौन सा वेट, तुम कुछ भी कहो उससे पहले मैं तुम्हें कह दूं, इस मोमेंट में मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं होता, मेरा आर्मर मर चुका होता है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे और मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे सामने आके मैं मर जाऊंगा? मतलब कि अभी मैं यहाँ पे स्पॉन होता हूँ और ये जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है अब धीरे धीरे क्रैक होता जाएगा, और एज यू कैन सी यहाँ पे ये वर्ल्ड क्रैक हो रहा है क्योंकि मैंने इतने सारे TNT ब्लास्ट कर दिए, जिसकी वजह से ये तुम्हारा वर्ल्ड डाटा थोड़ा लैग मारेगा और ये शायद पूरा वर्ल्ड करप्ट भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो तू हर बार करता, तूने वो तुम अपने साइड में देखो, अपने साइड में देखो हमारे सर्वर का नाश। हाँ हाँ तो वो अब देखो बेस्ट भाई, तुम्हारा सर्वर है ना ये? बिल्कुल हाँ, तो लोड ब्लॉक्स हो रही है, लोड ब्लॉक देखो तुम्हारे मेन टाउन हॉल के बगल में भी ब्लॉक्स जो है वो लोड नहीं हो पा रही। ओ वेट, बच के रहना क्रैक वाले एरिया में। ओके ऑल राइट, जा जा वर्ल्ड क्रैक होने की वजह से तुम भी वहां पे चले गए। ये क्या हुआ? ये सिंपली तुम्हारे साथ ये स्कैम हो चुका है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे करप्ट हो रहा है, और इसका मतलब ये पूरा करप्टेड, समझा? हाँ तो क्रैक हो गई। चलो बाय बाय, मैं तो चला। सो वेल गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और तुम जरूर बताना कि भाई साहब मैंने जानबूझ के मारा था इन सबके सामने ताकि इतने सारे मैं TNT ब्लास्ट कर सकूं। जब इन्होंने ये सारी चीजें हरकतें कही थी, मैंने जब से मेरा उस वक्त से प्लान था कि इसमें पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट के सर्वर को क्रैक करके रख दूं और साथ ही साथ पूरे को खत्म करके रख दूं। तो वेल गाइस, ये कभी बंद हो जाएगा, वर्ल्ड क्रैक हो चुका है, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।